काम उनका वेपन करते नजर आया, उनकी बुलेट्स करती नजर आई कनेक्शन। एंड यहाँ पर गुजरात टाइगर्स का चलिए एलिमिनेशन होता नजर आएगा, लेकिन देखते हैं अभी भी इनके पास एक मुकाबला बचा हुआ, एक और चांस है यहाँ पर गुजरात टाइगर्स के पास अपने आप को साबित करने के लिए कि जी हाँ हम भी इससे कम नहीं है यहाँ से। और फिलहाल के लिए 13वें पायदान पर उनका एलिमिनेशन, शायद जहाँ तक है एक ही अंक उनको इस मुकाबले से मिलता नजर आएगा। बट यहाँ पर अभी के लिए कप्तान को बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जी नहीं सिंप आप खुद भी अभी के लिए सवालों के घेरे पे, आईकू सोल ने स्पॉट करा है, समाप्त भी करेंगे यहाँ से सिंप को। मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा और अगर रिजिस के बिहाइंड चले जाते तो बात बन सकती थी, लेकिन आईकू सोल उनके लिए तो देखा जाए काफ़ी सही लगा उनको तो कि प्लेयर सामने सामने ही देखने को मिलता नजर, लेकिन कोई बात नहीं अभी जो गलतियाँ हो जाइए, लेकिन ग्रैंड फाइनल्स पे चीज़ें नहीं होनी है। बाकी में तो है लेकिन अभी बॉटम आठ में है 16 के। जी हाँ, 9वें से लेकर 16वें पायदान तक अगर आपकी टीम है तो आपको कौन सली पॉइंट चाहिए। बट फिलहाल के लिए बॉटलाइन का नाम आईकू सोल की फाइट होती हुई, जोनाथन एक नॉक मिला है लेकिन मल्टीपल प्लेयर सामने से, और इस बार नकुल ने फायदा उठाया, डाउन किया है जोनाथन को, पीछे से एडमिन और सपोर्ट प्रदान करना तो चाहते हैं, ग्रेनेड को करेंगे, जोनाथन का इंतजार कर रहे थे कि वो कवर पे आए, बट ये ग्रेनेड सही जगह पे गया है या नहीं, एडमिनो इज गोना गो इनसाइड, आगे की तरफ से ग्रेनेड आया और एडमिनो भी डाउन होते हुए नजर आए, गॉड लाइक का एलिमिनेशन। एंड आईकू सोल इस मुकाबले में बर्सर्क मोड पे जाती हुई नजर आ रही है, 9 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं, मानिया का रिवाइवल हो जाएगा मुझे ऐसा लग तो रहा है, हालांकि रेकनिंग अब आएगी, लेकिन रॉनी बाजी तैयार है, तुरंत दिखा दिया है कि आप हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं।